अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जिसका जितना मकाम होता है उस पर आजमाइश भी वैसी ही आती है, शान के मुताबिक, मर्तबे के मुताबिक, रुतबे के मुताबिक। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कैसी आजमाइश आई, बीमारी, पूरा जिस्म जख्मी हो गया, औलाद फोत हो गई, माल मवेशी अलग हो गए, खेत खिलियान बागात खत्म हो गए, मगर हर नुकसान की इत्तिला पर आप क्या कहते, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्या था, अल्लाह का था, जब तक उसने चाहा मेरे पास रखा, जब चाहा ले लिया, सुभानअल्लाह। आपने सब्र किया और उसके बाद जब रब को पुकारा, वह अंता अरहमुर राहिमीन कहकर अपने रब को याद किया, रब की बारगाह में दुआ की, रब्बे कायनात ने सारी तकलीफें दूर फरमा दी। इरशाद होता है, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर, तो हमने उसकी दुआ सुन ली, तो जो उस पर तकलीफ थी हमने दूर कर दी। अल्लाह पाक का हुकुमा के अय्यूब जमीन पर पांव मारिए, जमीन पर पांव मारा, चश्मा जाहिर हुआ, हुकुमा गुसल करो इससे। आपने गुसल किया, जिस्म की सारी बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम चले, दोबारा जमीन पर पांव मारने का हुक्म हुआ, पांव मारा तो चश्मा जाहिर हुआ, बड़ा ठंडा मीठा पानी, तो आपने अल्लाह के हुक्म से पानी को पिया तो अंदर की बीमारियां दूर हो गईं और अल्लाह पाक ने आपको आला सता की सेहत अता फरमा दी। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत भी अता फरमाई और मजीद क्या अता फरमाया, इरशाद होता है, वअतैनाहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतन और हमने अपनी तरफ से रहमत फरमाकर और इबादत गुजारों की नसीहत की खातिर अय्यूब को उसके घर वाले और उनके साथ इतने ही और अता कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को जिंदा फरमा दिया, औलाद भी जिंदा फरमाई और मजीद उतनी ही औलाद और भी इनायत फरमाई। आपकी जोजा मोहतरमा को अल्लाह तबारक व ताला ने जवानियां इनायत फरमाई और कसीर औलाद भी अता फरमाई। हजरत सैयदना अय्यूब अला नबीना वलीही सलातो वस्सलाम पर कैसा इम्तिहान आया और सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत से आप कामयाब हो गए। आपकी जोजा मोहतरमा बीबी रहमत रहमतुल्लाह ताला अलैहा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से थी, उन्होंने आपकी बहुत खिदमत की। एक मरतबा किसी वजह से खिदमत में कुछ कोताही हुई, ताखीर हुई, तो आपने जलाल में आकर कहा कि मैं सेहतमंद होऊंगा ना, तुझे 100 कोड़े मारूंगा। अच्छा, जब अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सेहत अता फरमाई, अल्लाह अकबर, रब्बे कायनात ने फरमाया वह खुद बियादी का दिगु फन फद्रिब बिही वला तहनफ, अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर उससे मार दो और कसम ना तोड़ दो। उसने तो खिदमत की तो उसको 100 कोड़े नहीं मारने, 100 तिंकों वाली एक झाड़ू एक दफा मार दो ताकि तुम्हारी कसम पूरी हो जाए। और यहां इस्लामी बहनों के लिए कितना दर्स है कि देखें कि 7 साल शोहर तकलीफ में रहे मगर बीबी रहमत रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने अपने शोहर की उस हालत में खिदमत। अल्लाहु अकबर।